तो यहाँ पे देख सकते हैं अमा का MT-15 और यहाँ पे पल्सर N160। लगभग दोनों इंजन पावर वगैरह देखेंगे सारा कुछ कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चीज यहाँ पे प्राइस डिफरेंस होने वाला 1,70,000 ऑन रोड और यहाँ पे 2,05,000 को 35,000 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसका 35,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा और इसका इसमें कम है और ऑलमोस्ट चीज़ आपको दोनों में दोनों सेम देखने के लिए मिलेगा। मतलब जितना सारा चीज़ इसमें कंपलसरी है ना, इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ें इसमें एडवांस है, वो सारा कुछ कवर करेंगे वीडियो में, आपको दिखाएंगे। दोनों का की यहाँ पे मेरे पास देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह का क्यू, जहाँ पे अमा का क्यू आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा और बजाज का ये क्यू है N160 का। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्राइस इसका हो जाता है 2,05,000 और 1,70,000 ऑन रोड प्राइस, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका फ्रंट लुक से और आते हैं हेडलाइट पे। तो हेडलाइट सेटअप दोनों का दोनों ऑलमोस्ट अगर फ्रंट लुक से देखा जाए ना तो सेम सेम आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों में देखने के लिए मिलेगा और दोनों में LED सेटअप दिया गया है DRL के साथ। इसमें भी DRL आपको दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। नंबर प्लेट का ऑप्शन दोनों का फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा, ये हेडलाइट के नीचे और ये हेडलाइट के ऊपर, ठीक है। ये हो जाता है फ्रंट लुक। इंडिकेटर दोनों में आपको फ्लेशर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं LED इंडिकेटर, ये देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन हो गया, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। फ्रंट मडगार्ड दोनों का प्लास्टिक फाइबर में दिया गया, बिल्ड क्वालिटी दोनों का बेहतरीन है, बस थोड़ा इसका हार्ड है और इसका सॉफ्ट है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो इसका टूटने उठने का चांस कम होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो टूटने का कोई चांस ही नहीं होता। पहला चीज़ यहाँ पे एक बेहतरीन मिल जाता है। दूसरा, अब यहाँ पे सस्पेंशन देख सकते हैं, इसमें भी USD फॉर्क दिया गया है और इसमें भी USD फॉर्क दिया गया, मतलब होता है अफ साइड डाउन। इसका बेनिफिट क्या होता है ना, कभी आप रफ मोड रोड पे चलते हैं तो हाईवे पे, मतलब इसका जो होता है ना स्मूथनेस, दोनों में बेहतरीन मिलने वाला, क्योंकि दोनों का दोनों सस्पेंशन आपको USD फॉर्क में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टायर सेक्शन। तो टायर सेक्शन का अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे टायर सेक्शन अगर देखा जाए ना तो एलॉय व्हील दोनों में मिलेगा आपको, वो भी दोनों में स्पोर्टी लुक में एलॉय व्हील और डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ डिस्प्लेट, और डिस्प्लेट का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा देखने के लिए मिलेगा MT से अगर देखते हैं तो, क्योंकि इसका डिस्प्लेट थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा आपको देखने में, इसका थोड़ा सा बड़ा है। ABS चैनल भी बड़ा है, सेंसर यहाँ पे दिया गया है और उसमें आपको वाइब्रेक का डुअल पिस्टन कैलिपर यूज हुआ है। अगर यहाँ डिस्प्लेट वगैरह बड़ा है तो वहाँ पे आपका जो कैलिपर है वाइब्रेक का यूज होता है, इससे थोड़ा बेहतरीन होता है उसका, ठीक है, और ब्रेकिंग भी बेहतरीन होता है। लेकिन वहाँ से अगर उठ के आगे देखते हैं इसका एलॉय व्हील, तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ आपको एलॉय व्हील पे स्टिकर भी किया गया है, ये देख सकते हैं व्हाइट एंड रेड में, तो यहाँ पे कमाल का लुक देती है बाइक, और उसमें आपका ऐसा कुछ नहीं आएगा स्टिकर वगैरह, उसमें प्लेन देखने के लिए मिलेगा। और टायर सेक्शन देख लेना तो दोनों का दोनों ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दिया गया है। जो टायर सेक्शन का बात कर लें तो 180 और 17 इंच का दोनों में दोनों, मतलब इसमें भी 17 इंच का, इसमें भी 17 इंच का, और 180 का टायर मिल जाएगा, मतलब 100 सेक्शन का टायर है तो समझ ही सकते हैं। और दोनों में ग्रिप वगैरह जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो टायर वगैरह क्वालिटी तो बेहतरीन है, क्योंकि इसमें भी आपको मिल जाता है ट्यूबलेस टायर और इसमें भी मिल जाता है आपको ट्यूबलेस टायर। तो फ्रंट लुक से ओवरऑल देखा जाए तो इतना सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिरर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है इसका भी, इसका तो हमने पहले खोल दिया है, तो मिरर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अब आते हैं हम टैंक पे, तो टैंक पे देख सकते हैं इसका लुक, इसका ग्राफिक्स वगैरह कुछ इससे अगर देखा जाए तो लुक वाइज तो दोनों में दोनों, आपको कमेंट करके बताना कि आपको लुक वाइज कौन सा बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। बाकी अगर देखा जाए इंजन से रिलेटेड तो आपको आगे जानकारी देंगे। अब हम देख लेते हैं साइड से, तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलेगा, तो इसमें भी मिलेगा ABS दोनों में मिल जाएगा आपको। एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको एक बेहतरीन हो सकता है कि इसका एग्जॉस्ट आपको इतना बड़ा साइज में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट है ना यही नीचे दिया गया है इंजन के पास, तो ये भी चीज़ थोड़ा यूनिक लग रहा है यहाँ पे, एक स्पोर्टी लुक में अलग टाइप का हो जाता है जो अट्रैक्टिव लुक यहाँ देती है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है नीचे दिया गया तो बेहतरीन है। बाकी ग्रेबरियल वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिंगल सीट। बाकी इसका सीट जो है ना काफ़ी छोटा भी दिया गया और इसका सीट काफ़ी बेहतरीन है, मतलब इसमें अगर चाहे ना तो बीच में कोई सामान वाना ऐसे, मैंने दो जन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, बैग वगैरह भी रखें तो, और अगर इसमें अगर बैग वगैरह रखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं इंजन से रिलेटेड दोनों में, तो दोनों में आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन और यहाँ पे मिलता है लिक्विड कूल्ड, यहाँ पे मिलता है एयर कूल्ड, ठीक है, पहला डिफरेंस। अब इंजन पावर का बात कर लें तो यहाँ मिल जाता है आपको 15.68 BHP का मैक्सिमम पावर, यहाँ पे मिलता है 18.1 PS का मैक्सिमम पावर, थोड़ा सा पावर यहाँ पे ज़्यादा है। न्यूटन मीटर दोनों का 14-14 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अब देख लें गियर ट्रांसमिशन, तो 5 गियर का ऑप्शन, 6 गियर का ऑप्शन। फिर आगे आ जाते हैं हम इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का, 14 लीटर का। बाइक का वेट यहाँ पे इसका लाइट वेट हो जाता है 141 kg का, 152 kg का,
152 kg वेट है, मतलब इससे इसका वेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर वेट ज़्यादा है तो आपको कंफर्ट भी फील होगा, राइडिंग भी फील होगा और अलग टाइप का एक लगेगा, राइडिंग में मज़ा आएगा थोड़ा। ये थोड़ा लाइट वेट है तो इसका टॉप एंड जो है इसका ज़्यादा है, इसका टॉप स्पीड आई थिंक मेरे हिसाब से 135 तक जाती है, ये 120 से लेकर 125 तक ऐसे ये कंपनी क्लेम करती है 120, तो 120 तक जाती होगी, तो इतना सारा कुछ हो जाता है दोनों में से, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। और माइलेज वगैरह तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, मतलब 45-50 का माइलेज, 45-50 का माइलेज, माइलेज भी सेम है। तो अब आपको आपके हिसाब से, अगर आपके पास बजट कम है तो बिंदास परचेज कर सकते हैं, इसको अगर नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके कंपेरिजन में बेस्ट है, मतलब द बेस्ट बोल सकते हैं। 35,000 एक्स्ट्रा देने से अच्छा है बिंदास परचेज कर सकते हैं, इसमें तो 35,000 मतलब ये ओवर प्राइस तो है ऐसे देखा जाए तो, बट वैसा कोई खास भी नहीं है देखा जाए तो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मेरा खुद बाइक है, खुद हम यूज़ कर रहे हैं, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और आपके पास अगर प्राइस, मतलब आपके पास अमाउंट है उतना अच्छा खासा लगा सकते हैं तो बिंदास परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अलग लेवल पर अलग मार्केट बना के रखी है। तो दोनों में से दोनों अपने जगह पर बहुत अच्छी बाइक है, दोनों में से ना किसी का बुराई कर रहे हैं ना अच्छा ही कर रहे हैं, बट ये बता दें कि अगर आपके पास बजट कम है तो परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ले सकते हैं, बस ये चीज़ है, बाकी दोनों में दोनों आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। चलिए तो आज का रिव्यू ख़त्म करते हैं, मतलब MT 15 और N 160 के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।